पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपने भक्तों की एक कहावत सुनी होगी जो अक्सर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कहते हुए नजर आते हैं। वो हर जगह इस मैसेज को सर्कुलेट करते हैं कि भैया मोदी जी जो हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो शेर है और शेर जो है अकेले चलता है। वो कभी विपक्ष को जंगलियों का झुंड कहते हुए नजर आते हैं, वो कभी विपक्ष को बद्दी बद्दी फप्तियां कसते हुए नजर आते हैं, तो कभी विपक्ष को इतना नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी का किरदार जो है वो इतना बड़ा हो गया है और विपक्ष का किरदार बस इतना सा रह गया है। जो लगातार ये मैसेज सर्कुलेट करते हुए जिनके हाथ नहीं थकते थे, अब उन लोगों को तगड़ा झटका लग रहा है और गोदी मीडिया भी इन खबरों को नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल हार के बाद एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस हार को अभी तक पचा नहीं पाई है। और यदि बात की जाए जो गोदी मीडिया और भक्त ये कहते हुए थकते नहीं थे कि भैया विपक्ष के लोगों से क्या लड़े, मोदी जी का डंका तो विदेशों में बज रहा है, मोदी जी के डंका जो बज रहा है और जो लंका लग रही है उसकी भी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। पर सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है भारत में, और भारत में लगातार जो है महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। यानी कि भाजपा में रार चल रही है, कहीं किसान आंदोलन तो कहीं ताकत का झगड़ा सामने आ रहा है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक क्या उठक पटक चल रही है। इससे पहले भारत में अधिकतर राजनीतिक दल अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस रहे हैं। इसमें ज्यादातर राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार है। ऐसे में चुनाव से पहले ही विपक्ष कोरोना और बेरोजगारी से लेकर किसान आंदोलन तक को मुद्दा बनाते हुए सत्तासीन दल को घेरने में जुटा हुआ है। हालांकि आलम यह है कि चुनावी राज्यों में तो पार्टी एकजुट दिख रही है, पर कुछ अन्य राज्यों में भाजपा को अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर पार्टी की आगामी तैयारियों पर भी पड़ने जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा में ये अंदरूनी कलह महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक पड़ गई है। बताया गया है कि बंगाल भाजपा में नेताओं के बीच आपस में ही ठनी पड़ी है। इसके चलते हाल ही बंगाल में भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष और अपना दुखड़ा रोने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक दिलीप घोष ने केंद्रीय नेतृत्व से साफ कहा है कि वे बाहरी दलों से आए नेताओं को जल्दी कोई पद ना दें। माना जा रहा है कि घोष का सीधा निशाना तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए सुवेंद्रु अधिकारी पर है, जिन्हें लेकर भाजपा कार्यकर्ता पहले ही बटे हुए नजर आ रहे थे। हालांकि पार्टी की बंगाल में मुश्किल सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है। दरअसल टीएमसी से आए राजीव बनर्जी के सुर नतीजे आने के बाद से ही बदले हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए गए भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो सोशल मीडिया पर कई बार अपना दर्द बयां कर चुके हैं। इसके अलावा विष्णुपुर से सांसद सुमित्रा खान ने सुवेंद्रु अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बंगाल में BGYM के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा तो नेतृत्व के दखल के बाद वापस हो गया, लेकिन पार्टी में कलह का खुलासा हो गया। इतना ही नहीं, बाबुल सुप्रियो ने अल्टीमेटम देते हुए यह भी दिखा दिया, ट्विटर पर जाकर के टीएमसी को फॉलो किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा। इतना ही नहीं, भाजपा इस वक्त पंजाब में भी परेशानी का सामना कर रही है। नए कृषि कानून को लेकर नेताओं में खटपट बढ़ती जा रही है। बता दें कि आंदोलनकारी किसानों ने पहले ही भाजपा का बॉयकॉट कर दिया है। इसे लेकर ज्यादातर नेता चिंता में हैं। कई नेताओं ने खुद को पार्टी लाइन से दूर रखते हुए कृषि आंदोलन के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया है। वहीं कुछ और नेता दूसरी पार्टियों में अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी को तो कृषि कानून के खिलाफ बयान देने के लिए पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड तक कर दिया था। पार्टी के अंदर की इस पूरी खटपट को लेकर
पिछले साल ही भाजपा छोड़कर आप में शामिल होने वाले मलविंदर सिंह का कहना है कि भाजपा के चुनावों में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उधर अगर बात की जाए तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी भाजपा अंदरूनी तौर पर विरोध का सामना कर रही है। कर्नाटक में तो मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को सरकार में मंत्रियों और विधायक सांसदों ने ही निशाने पर रखा हुआ है। हाल ही में एक भाजपा विधायक ने येदियुरप्पा सरकार पर अपना फोन टैप कराने का आरोप लगाया था, जबकि इससे पहले सरकार में मंत्री सीपी योगेश्वर और रमेश जरकीहोली अलग अलग मुद्दों को लेकर सीधे तौर पर अपनी सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं। इसके अलावा भाजपा में विरोध के ताजा स्वर महाराष्ट्र में भी उठे हैं। दरअसल यहां दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी और ओबीसी नेतृत्व का एक दमदार चेहरा कहे जाने वाले पंकजा मुंडे ने इशारों में पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई है। एक दिन पहले ही उन्होंने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले अपने समर्थकों को समझाया और उन्हें सही समय आने का इंतजार करने के लिए कहा। माना जा रहा है कि इसी बहाने पंकजा ने भाजपा के आलाकमान को अल्टीमेटम दे डाला है। दरअसल पंकजा मुंडे हाल ही में मोदी कैबिनेट में अपनी बहन प्रीतम मुंडे को जगह ना दिए जाने को लेकर नाराज बताई जा रही हैं। ऐसे में उनके समर्थक पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। और इससे ज्यादा अगर देखा जाए तो बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक थे वो एक एक कर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। कई हजारों कार्यकर्ता जो है अब तक टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद भाजपा में उथल पुथल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां मुकुल रॉय ने दोबारा टीएमसी में वापसी कर ली तो वहीं कई अन्य नेताओं की भी वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं विधानसभा की बात करें तो बहुमत हासिल करने वाली टीएमसी भाजपा को झटके देने में कसर नहीं छोड़ रही है। विधानसभा स्पीकर ने भाजपा से टीएमसी में आए मुकुल रॉय को ही अपनी पीसी का चेयरमैन बना दिया। इसके बाद भाजपा इसे असंवैधानिक बता रही है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा के 8 विधायकों में समितियों से इस्तीफा दे डाला है। भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों ने विधायक मुकुल रॉय की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के विरोध में मंगलवार को विधानसभा की विभिन्न समितियों के प्रमुख के रूप में इस्तीफा दे डाला था। तो अब जो लोग डंके की चोट पर कहते हुए नहीं थकते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, अब मोदी जी के होने की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी में जो वर्चस्व दिखाने की कोशिश को दी मीडिया द्वारा की जा रही थी, अब वो वर्चस्व धाराशाही सड़क पर लेटता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से उलझ चुके हैं। और इस उलझन का सबसे बड़ा कारण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अपने फैसलों के आगे किसी की सुनना नहीं चाहते और वही फैसले अब जो है उन्हें हार की ओर और नीचे लाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।